नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित सरफ मित्र, और आज जो हमें कॉल आई है वो ग्राउंड दुलखरा से आई है। निकालते हैं और मिलाते हैं और दिखाते हैं। आइए। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कंट्रेक्शन का काम चल रहा है, जिससे दीवार चिनाई हो रही है। और देखते हैं अभी कहाँ पे है जी। दोस्तों आप देख सकते हैं घर के अंदर उपले रखे हैं और सांप भी अब ठंड के कारण दुबक रहे हैं। देख सकते हैं आप उसकी कैंचुली है, ये देख सकते हैं आप उसकी कैंचुली है। और देखते हैं निकाल के। भैया देखा है तुमने? हमने खुद देखा भाई, यहाँ बैठा था। दोस्तों अब देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर चूहे छिपकली वगैरह आती हैं, जिनको खाने की वजह से वो यहाँ पर आया होगा। और वैसे भी ठंड या फिर ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो वो इसी के अंदर जब तक ठंड रहेगी उसी के अंदर सरवाइव करते रहेंगे रहेंगे। और अब निकाल सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप उसकी काफी कांचे मिल रही है, शायद उस पर यहीं पर रहने का ठिकाना है। धीरे धीरे चलते हैं उसके अंदर। आप देख सकते हैं किस तरह से बात की जा रही है। भैया थोड़ा उजी तो छोड़ो, मुझे छोड़ो। दोस्तों अब आपको नजदीक से, दोस्तों आप देख सकते हैं, देखने से शायद ये ऐसा लग रहा है जैसे रेटल स्नेक, जिसको दामन बोला बोला जाता है। और अब इसी के साथ आपको नजदीक से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये अंदर ये जा रही है, और देख सकते हैं आपसे किस तरह से ये आप आ रही है। और इसी के साथ अब इसको सही सलामत से पकड़ने की कोशिश करते हैं, और ये अब हाथ में आ चुकी है। अब देख सकते हैं किस तरह से ये भाग रही है और ये आ गई। दोस्तों ये बिना जहर वाली होती है, इसके अंदर कोई जहर नहीं होता है। और चलते हैं अब देख कर इसको बाहर। दोस्तों इसमें किसी तरह का कोई जहर नहीं होता है और ये बिना जहर वाले होती है। और अब निकालने के बाद में करते हैं इसको डिब्बे में पैक। वैसे बोला जाता है कि सावन के महीने में इसकी पोंछ के अंदर डंक आ जाता है, ये सब अफवाह होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेचुरली पोंछ होती है, बस वो इसके कारण इसके थोड़ी पैने हो जाते हैं ये पूंछ का साइज, बस और कुछ नहीं होता। और इसके साथ अब इसको पैक करते हैं। भैया झोला ला दो। दोस्तों आप देख सकते हैं कम से कम इसकी हाइट 6 फुट के आसपास का है, और ये 6 फुट के आसपास का इसकी हाइट है, काफी बड़ी है। और ये अभी केचुली के अंदर है, और इसको अब करते हैं झूले के अंदर पर। Thank you.
दोस्तों काट दिए दोबारा। लाइव स्टिक दी अब ये पैक हो चुकी है और चलते हैं जंगल के बीच, इसको रिलीज करते हुए दिखाते हैं आपको। दोस्तों अब आ चुके हैं जंगल के बीच में और जाने देते हैं इसको, तो जाने के लिए बिल्कुल तैयार है ये। बिना जहर वाले होते हैं, इनके अंदर कोई इसी तरह का कोई जहर नहीं होता है और ये अब जंगल के बीच। दोस्तों आज थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, तो वो लगी थी सर पर लग गई थी और थोड़ा यहाँ पर लगी थी, जिसके कारण पैकिंग करते टाइम थोड़ा दर्द था, तो इस वजह से सही से पैक कर नहीं पाया। और ऐसी अच्छी वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।